ये कहना ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको ज़कात का माल दे रहा हूँ, बल्कि आप कोई भी टाइटल उनवान लगाकर ज़कात दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, मैं आपको तोहफ़ा दे रहा हूँ, ये मेरी तरफ़ से हदिया है, ये मेरी तरफ़ से ईदी है। ये भी कह सकते हैं कि ये मेरी तरफ़ से अपने बच्चों के लिए कपड़े ख़रीद देना। ये भी कह सकते हैं कि ये मेरी तरफ़ से आपको कर्ज़ है, उसका दिल रखने के लिए दिल में नीयत ज़कात की हो, कल को जब वो कर्ज़ा देने आए तो उसको कहो मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए आपको माफ़ कर दिया। इस्लाम कितना बेहतरीन मसलक है कि जो मुसलमानों के जज्बात की कितनी रियायत रखते हैं कि अगर आप किसी को ज़कात कहकर दोगे तो उसके जज्बात मजरूह हो जाएंगे कि मैं ज़कात का मुस्तहिक हूँ, लोग मुझे ज़कात देते हैं, इसलिए ये कहना। बल्कि देखो कैसी प्यारी बात है कि हदीस में है कि जब तुम किसी बीमार को देखो, किसी बीमारी में किसी मुब्तला बंदे को देखो, तो ये दुआ पढ़ा करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम मुब्तला कभी वफ़ज़लनी अला कसीर मिम्मन खलक तफ़ज़ीला। इस्लाम ने ये भी बतलाया कि दुआ पढ़नी है, लेकिन किसी बीमार के सामने ऊंची आवाज़ से ना पढ़ो ताकि उसको तकलीफ़ ना हो, उसकी रियायत रखो। इस्लाम ने कितनी रियायत रखी है कि बहन को ज़कात देनी है तो बहन को ये ना कहो ये लो बहन मैं तुम्हें ज़कात देता हूँ, दिल में नीयत ज़कात की हो, सामने ये कहे बहन मेरी तरफ से तुझे ईदी है, बहन मेरी तरफ से तुझे ये गिफ्ट है, लेकिन उस बहन को देना है जो हकदार हो। अब ये भी ना कोई मेरे मसले से समझ ले कि जो हम सालाना बहनों को ईदे देने जाते हैं और वह बहनें मालदार भी होती हैं वो भी ज़कात में शामिल करते रहो, बल्कि हकदार ऐसी बहनें जो ज़कात की हकदार हैं उनके हवाले से ये बात मैंने की है कि आप उनको उनवान बदल कर टाइटल बदल कर भी ज़कात दे सकते हैं।